डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। मान लीजिए कि एक डायपोल जो है ना आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और इस फील्ड में आपने जो डायपोल रखा सर, वो डायपोल कुछ ऐसा, अगर मैं डायपोल मोमेंट दिखाऊं तो डायपोल मोमेंट समहाउ इज पैरेलल टू ई है। दैट मींस योर डायपोल इज आल्सो प्लेस अ लिटिल टिल्ट, डायपोल भी जो है ना वो टिल्ट होकर रखा गया है। आप इसके दोनों चार्जेस को मेंशन करके शो कर सकते हो, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। अगर मैं यहां पे कोई दो पॉइंट लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, तो आप देख सकते हो पॉइंट ए पर फील्ड इज मोर देन द फील्ड एट द पॉइंट बी, गॉट इट। अगर मैं इन दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करूं तो एक फोर्स ये आएगा प्लस क्यू पर एफ ए, एक फोर्स ये आएगा माइनस क्यू पर एफ बी, ठीक। आप देख सकते हो अगर मैं एफ ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो एफ ए इक्वल टू क्यू इंटू ई ए, एफ बी की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज क्यू इंटू ई। क्लियर? सिंस ई ए ग्रेटर देन ई बी, अब ये कैसे पता है ई ए ग्रेटर देन ई बी है, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा है, तो सो एफ ए विल बी ग्रेटर देन। अब अगर मैं कल की डायग्राम की बात करूं तो कल का डायग्राम मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैं डायपोल रखता हूं, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है, इस पर फोर्स लगा एफ ए, इस पे फोर्स लगा एफ बी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ई ए इक्वल टू ई बी था, सो एफ ए इक्वल टू एफ बी भी था, क्योंकि एफ का फॉर्मूला तो हमेशा क्यू इंटू ई रहेगा। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी है, इस बात का मतलब इस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो था। सर नेट फोर्स जीरो है तो नो ट्रांसलेटरी मोशन, this is having no translatory motion, but in this condition you can see fa greater than fb, so dipole will have an unbalanced force towards higher strength field. आप देख सकते हैं हायर स्ट्रेंथ कहां पर है, दिस इज द रीजन ऑफ द हायर स्ट्रेंथ, दिस इज द रीजन ऑफ द लोअर स्ट्रेंथ। अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स कैलकुलेट करो तो नेट फोर्स का मतलब हो गया डीएफ, आप यहां पे लिखोगे एफ ए माइनस एफ बी। जब मैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू यहां से लेकर आऊंगा, क्यू विल बी टेकन एज कॉमन, दिस इज ई ए माइनस ई बी, महत्व इस जगह को मैंने क्या लिखा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं इन दो रीजन की बात कर रहा हूं, यहां से लेके मैं यहां तक पहुंचा सर, और इतने स्पेस में फील्ड वेरी कर गया, और डायपोल जो है ना वो उसकी लेंथ भी इतने ही फील्ड में एक्सटेंडेड है, तो मैं यहां पर एक नया वर्ड लेकर आऊंगा, और वो नया वर्ड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। और दिस इज डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो न्यूटन पर कूलम पर मीटर,
It means the field is changing with the distance. So this type of the field is not constant with the distance. And you see, आप अगर गौर से देखो तो डायपोल की लेंथ 2a होती है, यानी कि जितनी लेंथ में डायपोल एक्सटेंडेड है वैसे उतनी डिस्टेंस में ही फील्ड वेरी कर गया, यानी कि 2a की वैल्यू bx के इक्वल है। Am I clear in my words? कहिए जी, ठीक है? Anyone having doubt regarding this? लास्ट में सर एक लाइन समझ नहीं आई बस। बताइए क्या चीज़? यही सर, ये 2a और dx वाली। ये this quantity? नहीं सर, आप बोल रहे थे सर 2x के बराबर है सर। हाँ, कैसे? मैंने कहा देखो, डायपोल का वन चार्ज इज हियर, सेकंड चार्ज इज हियर, इन दोनों के बीच की लेंथ 2a है ना? आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि इतनी ही डिस्टेंस में फील्ड भी वेरी कर गया। अगर मैं dE अपॉन dx की बात करता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद द डिस्टेंस, तो dx डिस्टेंस में कितना फील्ड चेंज हो गया अगर मैं उसका मेजरमेंट करूं, तो ये dx और ये डायपोल का लेंथ दोनों आपस में क्या मिलेंगे मुझे? इक्वल मिलेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इस जगह को, ये जो dE है, गौर से देखिएगा, मेरे df का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, वो df आएगा इनटू dA। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 रखा, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p इक्वल टू q इनटू 2a होता है, तो आई मे से दिस इज q इनटू dx, तो q कैन बी टेकन एज p अपॉन dx। वैल्यू ऑफ p in equation 1, so df equal to p upon dx into d, so ye ho jayega df equal to p dE upon dx। Is this clear to all? Is this clear to all? Question number 1.27, इन्होंने कहा है सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन का, किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारी तरफ फैला हुआ है इन द जेड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहां जो डायग्राम लिया था सर, उसमें ये लिखा, इसको मैं अगर वर्चुअली मानना चाहूं तो इसको मैं जेड एक्सिस मान लूं, क्यों जी, और अगर मैं इसे z मान लूं तो इस डिस्टेंस को dz लिखूं, बात बढ़ी, कहिए ठीक है? गॉट इट? क्लियर? ठीक है, इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन एट अ रेट ऑफ dE अपॉन dz। द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन, यूनिट से पता चला होगे 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं dE अपॉन dx है या फिर dE अपॉन dz है, क्योंकि z की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने dx के बदले dz लगा दिया। ठीक है, व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल ऑफ द मोमेंट, एक डायपोल है जिसका मोमेंट है p का वैल्यू 10 टू द पावर -7 कूलम इनटू मीटर, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब जरा गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है सर जेड एक्सिस के पॉजिटिव में, और डायपोल मोमेंट, यानी कि डायपोल जो रखा है, डायपोल जा रहा है नेगेटिव जेड एक्सिस में, कहिए ठीक है? हाउ मच इज द एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री? अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो टॉ इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी साइन थीटा, तो साइन 180 होता है जीरो, तो टॉर्क हो गया जीरो।
अगर मुझे फोर्स निकालना हो, नाउ द फोर्स ऑन डायपोल, अगर मुझे डायपोल का फोर्स कैलकुलेट करना है, देन F इक्वल टू पी डी अपॉन डी जेड. तो F इज P का वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर माइनस 7, डीई अपॉन डी जेड कितना है 10 टू दी पावर 5, सो दिस इज 10 टू दी पावर माइनस 2 ऑन न्यूटन इज द आंसर. Am I clear in my words? Yes. Second question. Unity होगा हमेशा. अगर मैं आपसे कहता हूँ axial position. तो होता है 1 over 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. Equatorial position, so this is 1 over 4 pi epsilon naught p upon r cube. Sir, यहाँ पर important बात है, E inverse of cube of distance. अब मैं छोटा सा एक concept बनाता हूँ. Concept is there is a charge distribution system. और मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया अननोन, सॉरी ये कोई एक ऐसा सिस्टम है जो मैं नहीं जानता. इन ए बॉक्स, बॉक्स में रखा गया है. फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट वेरीज एज डिस्टेंस एट डिफरेंट पॉइंट इज शोन इन टेबल. ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास में ये एक बॉक्स है. इस बॉक्स में कौन सा चार्ज है हमें नहीं पता. इसके ड्यू टू फील्ड वेरी कर रहा है कुछ पॉइंट्स पर. एक लाइन मैंने ये बनाई है और एक लाइन मैंने ये बनाई. यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, another point B, another point C. यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने A dash, here I choosing the point B dash, here I choosing the point C dash. यहां से यहां तक की डिस्टेंस R, so this distance is also R. This distance is 2R, this distance is 3R. यानी कि पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और ए डैश, अगर आप गौर से देखें तो केवल ओरिएंटेशन का फर्क है, इनका डिस्प्लेसमेंट मिडिल पॉइंट से सेम है. गॉट इट? यहां एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में फील्ड का वेरिएशन दिया है. दिस इज द पॉइंट, यानी कि लोकेशन, और यहां पे दिया है फील्ड स्ट्रेंथ. ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, हेयर द फील्ड इज गिवन ई, हेयर इज गिवन ई बाई एट,
Here E is given E by 27. Here the field is E upon 2. Here the field is E upon 16. Here the field is E upon 54. आपसे कहा जाता है identify charge distribution system. ठीक, आप देख सकते हो आपसे कहा जा रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और अगर आप गौर से देखो तो मैंने यहां से आइडिया लिया है ना, एक्सियल लाइन. अगर मैं इसको देखूं ना तो ये एक्सियल लाइन है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये इक्वेटोरियल लाइन है. क्यों जी? मिड पॉइंट से ऊपर जाता हुआ है ना. ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट ए है, दोनों का डिस्टेंस सेम है. देख लो दोनों में आर क्यूब है ना. लेकिन यहां पर फील्ड पी है यहां पर, और यहां पर क्या है, टू पी है. तो अगर यहां पर एक्स है तो यहां पे एक्स वाई टू होगी. चलिए ठीक है, आप अगर गौर से देखो ए से लेके बी तक गया तो डिस्टेंस आर से बढ़कर टू आर हो गई. अगर फील्ड क्यूब ऑफ द इनवर्स पे डिपेंड करता हुआ जाएगा तो डिस्टेंस अगर डबल हुई तो फील्ड वन बाई क्यूब के रेशियो में डिक्रीज कर रहा है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? यस सर. ठीक है, अब अगर मैं ये ऊपर की लाइन नहीं लिखूं तो ये जज आपने करना है. क्या जज करना है? यहां पर वन का क्यूब है. अगर देखा जाए तो मैं लिख क्या रहा हूं, पॉइंट ए तो वन क्यूब. मैं पॉइंट बी की बात करूं बच्चों तो दिस इज ई अपॉन टू क्यूब. अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो ई अपॉन थ्री क्यूब. जरा गौर से देखो, आर यानी कि वन टू थ्री, गॉट इट? और अगर ए डैश बी डैश सी डैश की बात करूं तो ये डिस्टेंस वही है लेकिन फील्ड क्या हुई, हाफ हो गई. इस बात का मतलब इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉट इट? And these are the axial and the equatorial position of the dipole. Am I clear? Yeah. Field जो है यहाँ पर मैंने गलती से square लिख दिया था. Field जो है वो इस cube के ratio में decrease होता हुआ चल रहा है. तो one cube, two cube, three cube. ये ठीक है. इसीलिए one का cube one रह गया, two का cube eight हो गया. आप देख सकते हो a के बदले b पर जाओगे, distance two हो गई, distance double हो गई, लेकिन field डिक्रीज कर रहा है इज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. मैं सी पे चला जाऊं तो 3r हो गया, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, इसलिए 27. लेकिन मैं सी डैश पे चला जाऊं तो सी डैश पे फील्ड सी का हाफ होना चाहिए. अगर सी पर फील्ड है ई बाई 27 तो ई डैश सी डैश पे फील्ड हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा ई बाई 54. ये ठीक है, गॉट इट? इन प्लेस ऑफ दीस टू डायपोल There should be anyone. मैंने क्या कहा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डायपोल लगेगा. This is one, this is two. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. दोनों डायपोल का मोमेंट P है. आपसे कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो सिस्टम पे लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला बताओ. तो आप करोगे क्या, आप पहले वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट दे दो. This is the direction of the dipole moment. आप इसका डायपोल मूवमेंट देखो सर, ये जा रहा है, यानी कि मेरे पास में ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर उधर. दिस इज P1 व्हिच इज इक्वल टू P, दिस इज P2 व्हिच इज इक्वल टू P. गॉट इट? इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल यू सी दिस इज 90, सो एंगल बिटवीन दीज टू इज 120 डिग्री. Am I clear? Yes. अब अगर ये दोनों वेक्टर सेम है, यह सक्षेना जी बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाई सेक्टर से जाएगा. दिस इज पी आर, और इस पी आर की वैल्यू जो होगी ना वो अंडर रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर
प्लस टू पी वन पी टू कॉस 120 हो गया, तो ये ठीक है, क्लियर। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो पहले मैंने इस सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकाला और जनाब वो इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट जो है मेरे बच्चों वो इस लाइन पे लाइन कर रहा है। दिस इज द लाइन एच विद द पी आर इज लाइन, ठीक। तो ये हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 120 इज माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाय 2। तो pr की वैल्यू क्या रहेगी, p रहेगी, गॉट इट, इज दिस क्लियर। ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल एंगल 120 है तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ये एंगल कितना है जरा गौर से देखना, दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब जरा गौर से देखो E और P के बीच में कितना है एंगल, इतनी बात समझ में आ रही है, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E, हाउ मच इज द एंगल, E का P के साथ में कितना एंगल है 120 डिग्री, है ना, कितना होगा 120 ना, यस सर, मुझे नहीं पता 12th है तुम लोगों की, तुम लोग चेक कर लो। Yes sir, 120। तो टॉर्क, टॉर्क थीटा की वैल्यू 120, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लगाओगे, PE sin 120 और P के बदले लिख देना PR। sin 120 की वैल्यू आपको मालूम है ना, तो दिस इज इक्वल टू cos 30, आंसर आ गया, गॉट इट, इज दिस क्लियर। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार यह होगा कि ऐसे करके एक फिगर मिल जाए, इक्विलेटर ट्रायंगल साइड ए मान लो, यहां पे रख दिया माइनस क्यू, यहां पे रख दिया माइनस क्यू और सर यहां कह दिया प्लस क्यू, कहते हैं फाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा यूनिफॉर्म एक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई देन फाइंड अ टॉर्क ऑन सिस्टम अब अगर आप गौर से देखो तो आपने ये तो कंसेप्ट बन गया, आपसे कहा गया कि सर ये एक सिस्टम है, अब अगर गौर से देखो तो ये प्लस टू क्यू है, मैं इसको क्या कर सकता हूं मालूम, क्यों, क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एडिटिविटी, चार्ज ऐड हो जाता है सीधे सीधे, अगर यहां पर प्लस टू क्यू है तो मैंने लिख दिया प्लस क्यू और यहां लिख दिया माइनस क्यू, ये क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो ये ठीक है, व्हाट इट। अब अगर इसका डायपोल मोमेंट देखोगे ना तो ये नेगेटिव अपना डायपोल मोमेंट सर इधर देगा P1, ये अपना डायपोल मोमेंट इधर देगा P2, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, दोनों वेक्टर सेम है ना, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बाइसेक्टर लाइन से, this is the direction of the resultant, yeah। ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है सर वाई एक्सिस के पॉजिटिव में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये कोऑर्डिनेट फ्रेम मान लिया मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, ये ई की डायरेक्शन है,
ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, कहिए ठीक है, क्लियर? क्यों भाई? यस सर, यस सर, ठीक है। तो पहले पीआर कैलकुलेट करेंगे एंड देन आफ्टर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इज दिस क्लियर? ओके, यस सर। देखो लेस देन ए मिनट बचा है, रीज्वाइन करना है तो बताओ मुझे,